हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे कि डेज़ कैसे काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डेट दे दी जाती है कि मार्च 2019 से लेकर 2011 में मई 26 तक के कितने डेज़ होते हैं। सो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना कि महीना क्या है, मार्च, फिर उसके बाद मई। तो मार्च और मई के बीच में कितने मंथ्स आते हैं, स्टार्टिंग मार्च से ही कर देते हैं, मार्च, अप्रैल, फिर मई, यानी ये तीन आएंगे। तो उसमें क्या है, आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, पहले हमें मार्च के दिन काउंट करने हैं। मार्च 19 तक बोला है, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से हमने जितने दिन, जो डेट हमें दे रखी है वो डेट माइनस करनी होती है। माइनस करने बाद हमारे पास कितने दिन आए, 12। फिर अप्रैल का पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना है, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं। उसके बाद मई में क्या है, 26 तारीख दे रखी है। अब 26 का क्या करना है, 26 को हम इंक्लूड नहीं करते, तो 26 को या तो छोड़ दो या 26 में से 1 माइनस कर दो, तो 25 आपका आ जाएगा। उसके बाद इन सब का आप टोटल करेंगे, 12 का, 13 का, 30 का और 25 का, तो दोनों सब का टोटल कितना है, 67। तो जो टोटल डेज हैं किस किस के बीच में, मार्च 19 और मई 26 के बीच में, तो कितने डेज होते हैं, 67। इसके लिए पहले आपको मंथ्स में कितने डेज होते हैं वो आने ज़रूरी है। तो जैसे जनवरी में 31, उसके बाद अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी के अंदर, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28। लीप ईयर कैसे पता चलेगा, जो आपको ये दे रखा होता है ना पीछे ईयर, इसको 4 से डिवाइड करके देख लो। इसको क्या करके देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर इसका 0 बचता है, तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। उसी तरीके से मार्च में 31, उसके बाद फिर अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर सेप्टेम्बर में 30, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवम्बर में 30 और फिर लास्ट इन दिसंबर में 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मई 25, 2012 एंड अगस्त 10, 2012। अब देखो मई दे रखा है आपको, तो मई 25 यानी मई के कितने दिन लेने हैं आपको, मई का महीना होता है 31 का, तो उसमें से 25 माइनस कर दो, तो दिन कितने बच गए मई के, 6। सिर्फ 6 दिन काउंट करने हैं। उसके बाद जून आपका पूरा है तो 30, उसके बाद जुलाई 31 है, फिर अगस्त में 10 तारीख दे रखी है, या तो 10 से एक पीछे यानी 10 के 9 दिन हो गए, या 10 में से 1 माइनस कर दो तो 9 दिन हो गए, तो इन सबको प्लस कर देते हैं, ये कितना गया, 76 डेज। इसी तरीके से आपको आगे वाले भी करने हैं। फिर क्वेश्चन आता है आपका नीचे फरवरी वाला, ये वाला, तो इसमें क्या है कि 16 फरवरी दे रखी है और 2016 दे रखा है। जहाँ पे फरवरी की बात करें, सबसे पहले आपको ईयर देखना है कि ईयर कौन सा है, ठीक है। जहाँ भी फरवरी की बात करें, जब भी फरवरी आए तो पहले ईयर को चेक कर लेना कि ईयर कौन सा, लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज लगेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो आपका 28 डेज होगा, क्लियर। सो अब यहाँ पे 2016 है, अब मैं 2016 को डिवाइड करती हूँ 4 से, 4 सॉरी, ये 2016 हमारा 4 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को नीचे लेके आए तो 40 पर गई, और 4 6 4 16, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, सो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम 29 डेज काउंट करेंगे,
कितने डेज काउंट करेंगे, 29। तो फरवरी कितने का है, 29 माइनस 16, क्योंकि 16 तारीख से हमने स्टार्ट किया था, तो कितने दिन चले इसके, 13, 13 डेज हमने इसके फरवरी के लिए। उसके बाद मार्च हमारे पास पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, उसके बाद जून हमें 10 तारीख दे रखे थे, तो जून के कितने दिन लगे हमारे, 9। अब इनको प्लस कर दो, ये आ गया 114 डेज। क्लियर? आई होप कि आपको ये डेज काउंट करना अच्छे से आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।